के बरड़ी खुदरा व्यापारियों ने राज्य सरकार द्वारा ब्रेक द चेन की आड़ में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने ताली एवं थाली बजाकर शासन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। व्यापारियों ने कहा कि कारोबारियों के लिए ये लॉकडाउन नहीं डेथ वारंट है। लॉकडाउन की मार सभी छोटे बड़े व्यापारी झेल रहे हैं। सरकार के खिलाफ व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाने का निर्णय रद्द करें, अन्यथा 9 अप्रैल से सभी दुकानें खोल दी जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को लेकर व्यापारी वर्ग ने नाराजगी जताई है। व्यापारियों का कहना है कि एक बार फिर लॉकडाउन से उनका धंधा चौपट हो गया है। सरकार द्वारा लगाए गए तालाबंदी के खिलाफ बरड़ी के व्यापारियों ने ताली थाली बजाकर लॉकडाउन का विरोध किया। सीताबरडी मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव हुसैन नरुल्ला ने कहा, प्रशासन दुकानें खोलने की अनुमति दे, अन्यथा सीताबरडी मर्चेंट एसोसिएशन 9 अप्रैल 2021 से अपनी दुकानें खोलने का फैसला ले चुका है। आगे कहा कि हम लॉकडाउन के अलावा प्रशासन के सभी नियमों का पालन करेंगे। व्यापारियों ने कहा कि उनका व्यवसाय पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है। व्यापार बंद करके प्रॉपर्टी टैक्स और किराया कैसे चुकाए, दुकान पर काम करने वाले लोगों की तनख्वाह कैसे निकाले। सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन एवं व्यापारी के प्रतिनिधि हैं हम लोग, और हम ये बोलना चाहता है कि आज सारे नागपुर सारे व्यापारी सड़क पे आ चुके हैं, और आज ये थाली बजाओ आंदोलन से हम ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार ये लॉकडाउन अपना वापस ले, सोई हुई सरकार जागे, व्यापारियों की परेशानियों के तरफ गौर करे, ये लॉकडाउन को जल्द से जल्द वापस ले और हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दे। आज पूरे नागपुर शहर में इतवारी में, सराफा में, महल में, सीताबर्डी में, धर्मपेट में, जरीपटका में, सारी की सारी एसोसिएशन और व्यापारी रास्ते पर आ चुका है। वो सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड कर रहा है कि ये लॉकडाउन को वापस ले और हम व्यापारी वर्ग को रिलैक्सेशन दे और हमारा व्यापार जल्द से जल्द शुरू करे। किस तरह से आपको नुकसान हो रहा है? देखिए, 13 महीनों से तो हमने सब कुछ सारे नॉर्म्स फॉलो किए, सारी चीज़ फॉलो की। अब हम में क्षमता नहीं है और हमारी दुकानें बंद रख के कोविड को फॉलो करने का। हम बाकी प्रोटोकॉल्स फॉलो करके डेफिनेटली सरकार को पूरा साथ सहकार देके काम करने तैयार है, लेकिन लॉकडाउन वाली स्थिति में हम बिल्कुल तैयार नहीं है। और हमारा ऑलरेडी हमने ये ऐलान किया है कि 9 तारीख को हमारा पूरा बाज़ार चालू हो जाएगा, लेकिन कल हमको कुछ ऐसे संदेश मिले हैं कि हमारे माननीय CM साहब ने हमारे व्यापारियों पे कुछ सुनवाई करने की कुछ सोची हुई है। हम आज उसके लिए रुकेंगे और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हम वो व्यापारी वर्ग को एक बड़ा रिलीफ दे, ना कि सिर्फ सुबह 11 बजे से 12 बजे तक या 4 बजे तक के हमारा शॉप खोलने का टाइम दे। हमको ऐसा कोई टेम्पररी रिलीफ नहीं चाहिए, हमको सम्मानीय रिलीफ चाहिए, जो आम जनता और व्यापारियों को माननीय हो, ऐसा रिलीफ चाहिए। नाम का रिलीफ नहीं चाहिए, हमको सचमुच का रिलीफ चाहिए। पूरी नहीं होती तो आपको आगे का? देखिए, हमारी मांग पूरी तो अभी तक भी नहीं हुई है। हम साइलेंट प्रोटेस्ट के जरिए हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं, हम रोज दर्ज कर रहे हैं। आज लॉकडाउन डे 3 है और हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हमें ना चाहते हुए भी शासन प्रशासन के अगेंस्ट हमारी दुकानें खोलना पड़ेगा ही। हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।